आ रहा था, तुम छोटी थी तो नदी या तालाब में के पास घूमने जाती थी, तो उससे डायरेक्ट ऐसा हाथ डाल के मछली निकाल देती थी और खा लेती थी डायरेक्ट। पागल हो गए हो क्या? दिमाग नहीं तुम खाती थी, ठिका रहे है कि नहीं तुम्हारा? खाती थी नाटक नौटंकी मत करो, सही बताओ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, नौटंकी मत मारो। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज का ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि आज की दुनिया ही डिफरेंट है। आज मैं व्लॉग नहीं, यानी आज मैं व्लॉग डाल रहा हूँ, अपना नॉर्मल वीडियो नहीं। देखो मैं इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गया, और मैं क्यों कंफ्यूज हुआ हूँ, मैं आपको दरअसल बाहर की दुनिया एक बार दिखाता हूँ कि क्या चल रहा है अभी मुंबई में। ये जो कैमरा है ना, ये जस्टिस नहीं कर पा रहा है हमारे अभी बाहर के मौसम को। इतना खतरनाक मौसम बना हुआ है, वो देखो नीचे जो कार जा रही है पानी वानी भर चुका है, बहुत खराब हालत है। ऐसी विंडो खोल के पता है बाहर क्यों खड़े हुए हैं, क्योंकि 10 मिनट पहले करीब कान में प्रेशर लगना शुरू हो गया था बहुत जोरों से, और कान में और माइंड वाइब्रेट होने लगा था। और फिर ऐसा तुम्हारा तो माइंड तो हर चीज में वाइब्रेट होता है हर चीज में। हाँ नहीं, और पता है अजीब सा, मतलब कान में हाँ ये जरूर हो रहा था, गूंज रहा था कान में कुछ। जैसे जब हम फ्लाइट में बैठते हैं और जब प्लेन टेक ऑफ कर रहा होता है ना, उस समय क्या होता है हमारे कान में जो बहुत जोर से प्रेशर सा फील होता है ना, वो प्रेशर अभी घर पे बैठे बैठे फील हो रहा था। समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, टेंशन में आ गए। मैंने बोला फटाक से बाहर देखो भाई ये क्या हो रहा है इस दुनिया में, मैंने बोला कि कुछ बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं होगी। हमने जैसी बाहर देखे तो जितने भी बाहर के लोग हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो सामने के घर है ना, इसमें भी लोग बाहर आ गए थे। दरअसल अभी भी काफी सारे लोग बाहर हैं। सब लोग देखने लगे थे आके क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे साथ नहीं उनके साथ भी हुआ वो जो हमारे साथ अभी। हाँ मैं डर गई, मुझे लगा वीडियो बनाने के लिए उठने वाले थे हम लोग, मुझे लगा कि अरे यार क्या हो रहा है ऐसा अजीब सा, कान में पहली बार ऐसा टुंग टाइप हो रहा है। टुंग हाँ अजीब सा हो रहा था, उसकी आवाज कैसे बताऊं, मतलब अजीब सा फील हो रहा था, वो कैसे बता सकते हैं किसी को। और टक्कू खुद बहुत हैरान है, पता है कल से ये कल से सोया नहीं है, और सोया ही नहीं है, मतलब आखिरी बार परसों रात में सोया था, कल रात में भी नहीं सोया और दिन में भी नहीं सोया, बस जब से ये चल रहा है बाहर देख रहा है। और पूरा वो जो स्लाइडिंग विंडो सब दरवाजा बज रहा है ना, वो बहुत जोर जोर से लग टूट जाएगा ऐसा, मतलब बज रहा है जोर से, डर जा रहा है बार बार। हाँ वहाँ पे बिल्डिंग में वो था लगा हुआ, वो सबसे ऊपर देखो, सबसे ऊपर ये बिल्डिंग का ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वो शायद टूट के नीचे गिरा है। नीचे वो कार दिख रही है, कार के सामने वो यहाँ से टूट के यहाँ पे गिरा। कितनी अच्छी किस्मत होगी किसी इंसान की, कोई वहाँ पे था नहीं, अगर वहाँ पे कोई होता तो पता नहीं क्या होता, या तो कोई एनिमल होता तो भी प्रॉब्लम हो जाती। और सबसे बड़ी बात है कार के ऊपर, और देखो ना वो कार खड़ी हुई है कार के जस्ट सामने, मतलब कितनी लकी कार है और कितने लकी कार वाले होंगे। वही तो, नहीं तो कार का खेल ही खत्म था। ये 24 फ्लोर है, इतनी ऊंचाई पे है, और वो वहां से गिरा, और वो पूरा लोहे का है, वो बहुत खतरनाक और बहुत मजबूत होगा, हैवी होगा, बहुत हैवी वो होगा। कार फट जाती ऊपर से, पता है बहुत प्रेशर तूफान, पूरे जो पीछे पेड़ थे सब टूट के गिर गए। हाँ लेकिन जब बारिश हो रही थी मैंने तब का वीडियो बनाया था, मैं तब का वीडियो अभी डालता हूँ, ऐसा वाले मोड में है, क्या बोलते हैं उसको, पोर्ट्रेट मोड में बनाया था मैंने इंस्टाग्राम रील्स के लिए, वो मैं इसमें डालता हूँ। देखो ऐसी बारिश हो रही थी, ये बाहर का मौसम है, कुछ ज्यादा ही खतरनाक बारिश हो रही है हमारे मुंबई में। मैंने सोचा था कि अपनी कार धुलवा लूंगा, लेकिन बारिश की वजह से मेरी कार अपने आप धुल गई है। ये देखो टक्कू उतना ही ज्यादा टेंशन में इधर उधर घूम रहा है, रात भर से सोया नहीं है। टक्कू बाहर कैसा मौसम है, क्या हो रहा है बाहर की दुनिया में? टक्कू ये आवाज आवाज क्या आ रही है, पहली बार देख रहे है ना ये? देख हाँ देख 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 देख, जैसे अपन ज़ॉम्बी वाले में देख रहे थे खुली खुली वाले पीछे से, तो उस पे 4-5 लोग बैठ के भाग रहे थे। हाँ और 2-3 लोग और देखा मैंने भाग के झोला लेके वाइट वाइट, कहाँ नीचे से भाग रहे थे ना। हाँ उड़ के तो नहीं भाग रहे थे, नहीं चल के जाते, मुझे लग रहा है कि कुछ ज़ॉम्बी अटैक होने वाला है। मैंने एक वीडियो में शायद बताया था फियर द वॉकिंग डेड नाम की सीरीज हम लोग आजकल देख रहे हैं, जो कि अमेज़न में अवेलेबल है, और वो इतनी ज्यादा, मतलब आप उसको देखोगे ना तो आप उसकी दुनिया में जीने लगोगे। मुझे तो ऐसे ऐसे सपने आ रहे थे कि वो मूवी के कैरेक्टर मैं हूँ और मेरी दुनिया में ज़ॉम्बी अटैक हो गया है, और फिर हम लोग किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं, उसमें जिया भी है, टक्कू भी है, मेरे फैमिली वाले भी हैं। नीचे कोई भी जा रहा है ना तो विंडो खोल ली थी और बोल रही थी देखो ये ऐसे कपड़े पहन के जा रहा है, ये बैग लेके जा रहा है,
ये भाग रहे हैं, ये अपनी कार निकाल रहे हैं, अटैक होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है दुनिया में, अपन भी भागते, अपनी कार भी धुल गई है। अक्कू मैं अभी नीचे से सब लोगों को घुमा के लेके आता हूँ, सबको अपने बाहर का मैं दिखा दूँ मौसम क्या चल रहा है, तू टेंशन में मत रह, तू सो जा बेटू, सो जा मेरा बच्चा, मैं अभी आता हूँ, सो जा। दरवाजा मैं खोल रहा हूँ, ये देखो ये मैं खोल रहा हूँ, अरे अबे सही में नहीं खुल रहा यार, मजाक नहीं कर रहा हूँ, अरे यार नहीं खुल रहा है, नहीं खुल रहा है जी यार, शिट शिट, मजाक, सीरियसली दरवाजा नहीं खुल रहा है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, दरवाजा नहीं खुल रहा है, अभी मैं खोल के दिखाता हूँ आपके सामने एक बार, ये मैंने किया, ए नहीं खुल रहा है, मजाक नहीं कर रहा है, टूट जाएगा गारंटी टूट, तुम आओ ये कैमरा पकड़ो और मैं खोलता हूँ फिर मेरे को, अभी मैं आप लोगों को नीचे का माहौल दिखाता हूँ, दोनों हाथ से प्रेशर लगा, दोनों ने एक हाथ से खोलूंगा, पहले मैं मास्क लगा लेता हूँ क्योंकि बाहर कोई खड़ा होगा तो बेटर है। अरे नहीं खुल रहा है, बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है, दो ये देख रहा है, ये सामने का अच्छा खासा था, ये पूरा टूट गया है, ये पेड़ गया, और बेचारे जानवरों की हालत बहुत खराब हो रही है बारिश में, कुत्तों की, बादल ये वैसे टक्कू का दुश्मन है लेकिन बेचारा, बादल अरे बच्चा देख गया जा बैठ जा, ये देखो काफी अंदर पानी भी आ चुका है, यहाँ पे लोगों की गाड़ियां खड़ी हुई है, वो गाड़ियां भी काफी गाड़ियां गिरी है, कुछ गिर रहा है ऊपर से, बारिश फिर से शुरू हो गई, मुझे लगता है वापस चले जाना चाहिए, वो बेटर है क्योंकि पेड़ वेड़ की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो कुछ उड़ के गिर गया है वहां पे, ब्लू कलर का जो उड़ के कहीं से आ गया है, जाता हूँ यही बेटर है। हाथ में मोबाइल पकड़े पकड़े सो गई है जिया, आम नहीं खाना है गाइस, वैसे बेसिकली हम लोग बढ़िया सा आम खा रहे हैं, मुझे आए तो इतनी वीडियो बनाने क्योंकि आम खा रहे हैं, सो रही है क्योंकि आज वीडियो बनाने का प्लान नहीं हो पा रहा है क्योंकि वाईफाई चालू तो है लेकिन वाईफाई में इंटरनेट नहीं कैच कर रहा है, इस वजह से वीडियो तो बन रहा है लेकिन ये वीडियो बनने के बाद पोस्ट कब होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, 6:30 बज चुके हैं, आज भी पोस्ट हो सकता है, अगर 8 बजे से पहले वाईफाई वापस आ गया तो, नहीं तो कल ही हो पाएगा, है ना। और टक्कू फाइनली सो गया, फाइनली खाएगा आम टक्कू, और उठा दो तुम, हाँ उसको पूछ रही हूँ खाएगा कि नहीं, तो वैसे बेचारो इतनी देर में सोया है, टक्कू आज आम खा ले आजा, बेसिकली जो आम है ना, मैं हर चीज में आजकल बेसिकली ज्यादा नहीं बोलने लगा हूँ क्या, ये वाले जो आम है ना, मेरे घर के सामने एक आंटी रहती है, उनके घर पे गांव से उनके बहुत सारे आम आए हुए थे, तो उन्होंने बोली कि अगर चाहिए तो ले लो, तो मैंने क्या किया 6 आम लेके आ गया, और अगर मुझे लगता है कि ये आम अभी 6 के 6 बहुत अच्छे हैं तो मैं और लूंगा, मैंने उनको ऐसा बोल दिया, तो ये आम सचमुच में बहुत ज्यादा टेस्टी थे, तो मैं 12 लेने वाला हूँ, ठीक रहेगा ना 12 जी, तुम भी लोगी जी, आंटी 24 लोगी मैं। हाँ। नहीं, बहुत बड़ी आम लवर हूँ, बहुत खाती हूँ, नहीं क्योंकि ये जो आम है ना, ये गांव के हैं और गांव में ना नेचुरल तरीके से पकाया जाता है, और जो आजकल के जो होते हैं, नहीं गांव में भी थोड़ा यूज होने लगा है अलग अलग दवाइयों का,
लेकिन ये जो आम लग रहे हैं ये नेचुरल तरीके से पके हुए लग रहे हैं, ये पेड़ से पके हुए लग रहे हैं, इसलिए बहुत टेस्टी है। ये वाला थोड़ा अलग टेस्ट है यार, ऐसा क्यों? ज्यादा पक गया, खराब तो नहीं हो गया? अलग ही टेस्ट है, पेट में जाने पर अच्छा हो जाएगा, खराब ही रहेगा तो कुछ भी पेट में जाने पर अच्छा हो जाएगा, दूसरे दिन और अच्छा हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा। आम अच्छा हो जाएगा लेकिन पेट खराब हो जाएगा। क्यों पागल हो गया? अरे यार पीला पीला नहीं, तुम्हारी बचपन की एक बात है जो मुझे कुछ टाइम पहले पता चली। तुम्हारा भाई मतलब सचिन बता रहा था, तुम छोटी थी तो नदी या तालाब में के पास घूमने जाती थी तो उससे डायरेक्ट ऐसा हाथ डाल के मछली निकालती थी और खा लेती थी डायरेक्ट। पागलों के लोग हो क्या? नहीं तुम खाती थी, खाती थी नाटक नौटंकी मत करो, सही बताओ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, नौटंकी मत मारो। और तुम हड्डी भी नहीं निकाल दी थी ना उसके? कैसे हो यार, खाते तक नहीं नॉनवेज, कैसे बात कर रहे हो? लेकिन बचपन में तो ऐसे खाई हो ना मछली उठा उठा के? नहीं खाई हूँ। अच्छा तो वो वाली बात झूठी की सचिन बता रहा था कि तुम एक अपने पहचान वाली आंटी के घर गई हुई थी, उनके घर में वो पॉट था मछली वाला, तो उसमें 12-15 मछलियाँ थी और तुमने उसमें से 6-7 मछलियाँ खा ली थी निकाल के। पागल हो गए, कब बोला? फोन करो झूठ क्यों बोल रहे, फोन करो। तुम्हारे सामने उसे बताया था और दांत दिखा दिखा के हंस रही थी और शर्मा रही थी, निकाले खाली पागल, बिना लॉजिक। उसके बात सुन सुन के शर्मा क्यों रही थी? शर्मा रही थी, पागल हो गए, कौन सी बात कर रहे हो? ये दुनिया में घटा नहीं है, घटना इमेजिन किया तुमने। अभी पलट जाओ, अभी कैमरे ने इमेजिन किया है, अभी कैमरे के सामने पलट रही है, नहीं तो उससे पहले शर्मा रही थी जब ये वाली बात। मैंने शर्मा के मुंह पे फेंक दो के मारो कि अभी काम मुंह पे, कौन सा शर्मा रही थी, क्या शर्मा रही थी? आज हमारी जो प्लानिंग हुई है उसके बारे में पहले बताओ तुम। मैं सोच रही थी मंगोड़े बनाने के लिए। हाँ। इतना मंगोड़े बनाऊंगी तो सोच रही चैलेंज कर लेंगे। तुम्हारे अंदर दिमाग भी है? क्या दिमाग? मंगोड़े का चैलेंज कैसे कर सकते हो? मतलब मंगोड़े क्या होते हैं आपको पता है ना, जो दाल के पकौड़े होते हैं, मूंग के दाल के पकौड़े, भजिया भी बोलते हैं इसको। हमारे एमपी में उसे मंगोड़े कहते हैं और हमारे महाराष्ट्र में भजिया। इतनी टेस्टी चीज के मतलब कोई कैसे चैलेंज में शामिल कर सकता है? ऐसी टेस्टी चीज को मैं आराम आराम से खाता हूँ यार, कमोन। नहीं, हम मुंबई वाले वड़ा पाव में ठूसते हैं और लपेट लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे आराम से खाना है, तुमको जो करना है अपने हिस्से के निकालो अलग प्लेट में, उसके साथ जैसा चैलेंज करना है, जैसी लाइट बिठाना है, जैसा कैमरा सेटअप करना है, मैं करके दूंगा, लेकिन मेरे मंगोड़े मतलब मेरे हिस्से के पकोड़े मुझे दे दो और मुझे चैलेंज में इंक्लूड करो। उसमें पाव में ठूस के मंगोड़े खाएंगे, ठीक है? तो चैलेंज वैलेंज नहीं है कोई फास्ट? चैलेंज वैलेंज ऐसा ही, पाव में ठूस के हम मुंबई में खाते ना पाव। अच्छा, तुम अभी पाव मिलेंगे? ये दुनिया है, ये बाहर पीछे जो दुनिया दिख रही है, सामने वाला दुनिया में मिल जाते हैं दुकान से, कहीं ना कहीं तोड़ के शटर गिरा के लेके आते हैं। तो मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो शटर तोड़ने जाए अपन दुकान वालों की? देखो ये इन्फ्लुएंसर है, ये इन्फ्लुएंसर है ब्लडी टैक्स की, जिसके 1,00,000 अभी कुछ दिन में होने वाले, ये शटर तोड़ के पाव चुराने की बात कर रही है। वो 1,00,000 लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? मैं खाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, बहुत बड़ी लालची हूँ। खैर, अभी मैं इन आम की गुठलियों को और आम के छिलकों को रख देता हूँ अंदर और इसी के साथ साथ इस व्लॉग को कर देता हूँ एंड, क्योंकि अभी मुझे मैसेज मिला है चेक इंटरनेट इज स्टार्टेड नाउ, ऐसा मुझे व्हाट्सएप में अभी ऊपर से नोटिफिकेशन दिखा है, तो मुझे लगता है कि आज ये वीडियो फाइनली अपलोड हो पाएगा। तो अब जो हमारे घर में पकौड़े बन रहे हैं और जो हम लोग मजा लेने वाले हैं, चैलेंज में इंक्लूड नहीं होगा, कोशिश करूंगा उसकी स्टोरी में इंस्टाग्राम में डालू। तो इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर जुड़ जाओ। और पहली बार मुझे देख रहे हो तो इस चैनल में हमेशा जुड़े रहना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि ये तो व्लॉगिंग था, व्लॉगिंग में लेके आते रहता हूं जब मैं नॉर्मल वीडियो नहीं बनाता, लेकिन जो मेरे नॉर्मल वीडियो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशनल, बहुत ही ज्यादा कैसे होते हैं, बहुत डराने वाले होते हैं, डराने वाले, खौफनाक वीडियो, इंसान के वो क्या बोलते हैं, इंसान के पागल सुन के आपकी रूह तक कांप, रूह तक कांप जाती है बिल्कुल। खैर दोस्तों, तो चलो कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक देखे थे इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ऐसे छोड़ के मत जाना, लाइक करना है, डिसलाइक करना, जो मन में आया करना इन करना जरूर। चलो बाय।